हेलो जय श्री राम, वेलकम टू माय चैनल पिंकू क्राफ्टिंग एंड ज्वेलरी। तो आज मैं ज्वेलरी ही बनाऊंगी। मैंने इयररिंग्स बनाने की सोच रखी है, तो मैंने जो एक कुर्ता पहन रखा है व्हाइट एंड ब्लैक कलर का, ऐसे ही कुछ बनाने की सोच रही हूँ। मेरे पास ब्लैक कलर के बीट्स नहीं है, व्हाइट कलर के बीट्स हैं, तो मैं उन पर एक्रेलिक कलर यूज़ करके कुछ अलग सा बनाने की ट्राई करूंगी, यूनिक। तो इयररिंग्स बनाएंगे आज। ये तो मैंने हैवी से इयररिंग्स पहन रखे, मैं लाइट वेटेड बनाऊंगी। जो मेरे पास आइटम्स हैं अवेलेबल उनसे बनाऊंगी। तो मेरे पास व्हाइट कलर के बीड्स हैं, मोटी साइज़ के हैं थोड़े, तो उन्हीं का ट्राई कर रही हूँ। मैं बहुत दिनों से पढ़े, तो फिर मैंने सोचा कि उन्हीं का कुछ बनाते हैं व्हाइट कलर वाले बीड्स से ही। बट इसमें मेरा मेजर कलर ब्लैक है, तो मैं मेरी इयरिंग्स में भी मेजर कलर ब्लैक ही रखना चाहूँगी, और व्हाइट कलर की कुछ लीव्स वगैरह। देखेंगे कैसे क्या करते हैं। तो चलो इयरिंग्स बनाना स्टार्ट करते हैं, और आप लोग बताना एंड में, मैं आपको पहन के बताऊँगी कैसे लग रहे हैं, आप लोग ये कमेंट में बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेके आई मेरे बॉक्स, जिनमें मैंने मेरे ज्वेलरी आइटम्स रख रखे हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये लिए हैं, जो कि बीड्स हैं, बड़ी साइज़ के हैं, वाइट कलर के बीड्स थे मेरे पास। तो मेरी जो कुर्ता है वो ब्लैक कलर का है, तो मैं इस पर कलर्स करूँगी। फिर मैंने निकाले दो छोटी साइज़ के बीड्स, जो कि बड़ी वाले साइज़ से बहुत छोटे हैं। तो ये दो बीड्स मैंने वाइट कलर के निकाले हैं। फिर मैंने कुछ ये आई पिंस निकाली हैं, जो कि मैं यूज़ में लेने वाली हूँ इसमें। तो ये देख सकते हो आप मेरे ये जो बॉक्स है उससे। फिर मैं निकाल रही हूँ इयरिंग हुक्स, जो कि मैंने दो निकाल लिए हैं इयरिंग हुक्स। और अब मैं ये ब्रश वगैरह निकाल रही हूँ, जो कि मैं पतले वाले ब्रश निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लीव्स बनानी है तो पतला ब्रश काम में आएगा। और बड़े जो कि थोड़े साइज़ में चौड़े ब्रश हैं, वो भी मैंने निकाले हैं मोटी साइज़ वाले। फिर मैंने ये पहले पोस्टर कलर्स निकाल रखे हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको पोस्टर कलर नहीं, फैब्रिक कलर यूज़ करने हैं, तो फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने फैब्रिक कलर यूज़ किए हैं, पोस्टर कलर मैं वापस रख रही हूँ, तो फैब्रिक कलर्स यूज़ करूँगी। मैंने व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर का फैब्रिक कलर निकाले। तो सबसे पहले मुझे जो बीड्स व्हाइट कलर के हैं उनको ब्लैक कलर में चेंज करना है, तो मैं उसके लिए लूँगी। फिर मैंने ये कुछ टूल्स ले लिए, जो कि हमें इयरिंग को लास्ट में फाइनल टच देने में काम में आएंगे। तो सबसे पहले मैंने ब्रश मेरा बड़ा वाला ले लिया, उसे थोड़ा क्लीन करके अब मैं ब्लैक कलर निकालूंगी। तो मैंने ये निकाल लिया ब्लैक कलर, और अब हम अप्लाई कर देंगे हमारे जो वाइट बीट्स हैं मोटे साइज़ के उन पे। तो मैं ये ब्लैक कलर अप्लाई करूंगी ब्रश की हेल्प से। और ये कलर्स फैब्रिक कलर हैं, तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। तो वाटर कलर्स वगैरह यूज़ ना करके पोस्टर कलर, या फिर आप जो कि एक्रेलिक कलर्स आते हैं, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं बीड्स वगैरह पे, फैब्रिक कलर यूज़ किए हैं मैंने। फिर मैं छोटे वाले पे भी कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ ब्लैक कलर से, तो मैं इसे वाइट कलर का ही रखूँगी छोटे वाले बीड्स को, और इस पर ब्लैक की कुछ लीव्स बनाऊँगी। और जो हमारे बड़े वाले बीड्स हैं उन पर मैंने ब्लैक कलर करके रख दिया है उनको ड्राई करने के लिए। फिर मैं इन पे जो लास्ट वाली उधर साइड है उन पे ऐसे छोटे छोटे वो बना के रखूँगी, ये देख सकते हो। दोनों साइड में बनाऊँगी ऐसे ही, मैंने एक पे बना लिया है और एक पे बना रही हूँ। ये मैंने वाइट कलर से अप्लाई किया है। अब मुझसे लीफ एज इट इज़ तो नहीं बनेंगी, बट मैंने ट्राई किया, तो ये देख सकते हो अभी ये दूसरे वाले पे बना रही हूँ। अब मैं इन पे लीफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी। अब मुझसे परफेक्ट तो नहीं बन रही थी, बट मैंने व्हाइट कलर से ट्राई की है, जो कि छोटे वाले ब्रश से किए, फिर भी मेरे से ये ख़राब हो रहा था। मेरी पेंटिंग बड़ी ख़राब है, तो ये देख सकते हैं ऐसे ही हम इस पे पूरे पे कर लेंगे। मैं आपको एक दो तो कम स्लो स्पीड में दिखा रही हूँ, बाकी का मैं आपको थोड़ी तेज़ स्पीड में दिखाऊँगी। तो ये देख सकते हो ऐसे करके मैंने कुछ ड्रॉ किए। मेरी पेंटिंग बड़ी ख़राब है, मुझे पता है। तो सेम ऐसे ही मैं दूसरे वाले जो बीट है उस पर भी सेम ऐसे लीव्स बना रखे हैं मैंने, बना लिए। और ये देख सकते हो आप, मैं इसे आपको थोड़ा सा ध्यान से दिखाती हूँ। ये देखो, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है अब इसका टेक्सचर, और थोड़ा थोड़ा मेरी ड्रेसिंग में ड्रेस में मैच कर रहा है मेरे कुर्ते में। तो आई होप ये सेम कुर्ते के जैसा ही बने, लास्ट में बहुत अच्छा लगे। तो अब इसे हम फाइनल टच दे देते हैं। तो मैंने दोनों बना लिए हैं, तो दोनों में मैं सबसे पहले आई पिन अटैच करूँगी, और इस आई पिन से पहले मैं छोटे वाला बीट इंसर्ट करूँगी, फिर मैं इसमें नीचे बड़ा वाला बीट इंसर्ट कर दूँगी। ये देख सकते हो आप,
मैंने जो कि आई पिन होती हुक आई पिन उनमें अटैच किया इसको ऐसे। फिर अब हमारी ईयरिंग हुक से ऐड कर देते हैं हम। तो ये मैं फाइनल टच दे रही हूँ ईयरिंग्स को ईयरिंग हुक से अटैच करके। तो ये मैं अटैच कर देती हूँ, सेम ऐसे ही मैं दूसरा वाला भी अटैच कर देती हूँ। ये देख सकते हो ऐसे हम दूसरा वाला भी अटैच कर देंगे। तो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया वीडियो को। ये सेम प्रोसेस है, ऐसे हमने अटैच कर दिया है। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं जूम करके पास से। तो ये हमारे दोनों ईयरिंग्स बन के रेडी हैं। और कैसे लग रहे हैं? मुझे तो प्यारे लगे, और मेरे से लीफ इतनी अच्छी नहीं बन पाई क्योंकि मैंने पहले बता दिया मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये हमारी ईयरिंग्स का लास्ट लुक है फाइनल। अब मैं इन्हें पहन के दिखाती हूँ आपको, फिर आप बताओ कैसा लगा है। तो आपने देख लिया हमारी ईयरिंग्स बन के रेडी हैं, और ये रहे ईयरिंग्स। कैसे लग रहे हैं? अभी मैं पहन के दिखाती हूँ, मेरे कुर्ते में मैच कर रहे हैं बिल्कुल, सेम ही गिर गया। अभी मैं पहन के दिखाती हूँ, फिर आप लोग कमेंट करके बताओ तब तक कि कैसे लग रहे हैं ईयरिंग्स। मुझे तो मेरी बनाई हुई सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये देख सकते हो अभी इसमें काफ़ी मैच कर रहा है, ये देख सकते हैं। जूम करके दिखाती हूँ मैं, ये मेरी कुर्ते में मैच कर रही हैं। ये फ्लावर लिप्स मैंने बनाने की कोशिश की, बट एज इट इज़ तो नहीं बनी, बट फिर भी काफ़ी हद तक मैच कर रहे हैं, काफ़ी हद तक। अब मेरे को तो पूरे लग रहे हैं। और मेरे पास मैजर कलर ब्लैक नहीं था, तो मैंने व्हाइट वाले बीट्स पे, आपने देखा ये ब्लैक कलर किया है। आपको मेरी ईयरिंग्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और कैसे लगे हैं ये बताने के लिए कमेंट कर दो, और प्लीज़ शेयर भी कर दो मेरे लिए अगर आपको अच्छे लगे तो। और अगर आपको पिंकू के और वीडियोस देखने हैं, ज्वेलरी के या फिर रेजिन आर्ट के या फिर क्राफ्टिंग वीडियोस जो भी देखने हैं, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर रखा है तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत कर देना। बहुत लोगों ने कर दिया है, मैंने वीडियो नहीं डाले काफ़ी दिनों से। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं कुछ ऐसे ही ईयरिंग बनाने की सोच रही हूँ जो मेरी ड्रेस से मैचिंग करे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी की, ओम नमः शिवाय, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।